नजर बट्टू। अरे बेट चौथ, मुझे कुछ ना पता, चाहे तेरे बाप को मोतियाबिंद हो या कोई और बीमारी हो, तो उसे भाई की फिल्म तो देख के आनी ही पड़ेगी। तवीर दुनिया बहुत ही बहरा है यार। अरे यूं ना सोच रहे, ऐसा फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो अगले बंदे का खर्चा कैसे हैंडल होंगे। अब देख, दो दो छोटे भाई हैं, उनकी पॉकेट मनी का खर्चा, उसके अलावा अपनी दवा दारू का खर्चा, और जो इतनी कोर्ट कचहरी की लूट पाल रखी है उनमें कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। अरे आजकल 12वीं पास बच्चों को देख ले क्या करते फिर रहे हैं, सारे कॉलेजों के फॉर्म भरते फिर रहे हैं, 500-500 रुपया अरे कॉलेज के फॉर्म में लगा रहे हो, इससे बढ़िया तो भाई की फिल्म पर खर्च कर दो वो पैसा। अब ये तो है ना कि तुम अनपढ़ रह जाओगे तो कोई तुम्हें इलिटरेट बुलाएगा। सर 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 सर, अरे भैया तू आगा, तू एक काम कर, मुझे पेन दे, मुझे इस्तीफा देना अपना। इतनी छोटी सी बात पर तू इस्तीफा ना देगा? ना सतबीर, मैं यार काहे को इस्तीफा ना देने, मैं दूंगा यार, मेरी जिम्मेदारी बना यार। ये तेरी ना, मेरी एक काम कर, रिजाइन कर दे। चल ठीक है। सर आप रिजाइन क्यों कर रहे हो? अरे क्योंकि ट्यूबलाइट पिट गई हमारे बाबा की वजह से, जिम्मेदारी बने हमारी यार। बाबा की वजह से कैसे? अरे बुड्ढे ने हॉल में कपल ना जाने दी, अंदर बाहर खड़ा होगा यूं कह रहा हो, हॉल के अंदर जाके कुछ को मत ना करियो, ट्यूबलाइट की रोशनी पकड़े जाओगे, पता हॉल खाली रहेगा सारे। पर भैया सारे हिट फ्लॉप हमारे भाई के साथ ही क्यों है, कहीं भाई की भलाई में कमी है? 3 साल से सारे काम धंधे छोड़ के अगले ने खोया पाया केंद्र खोल रखा है। छोटी बच्ची खो गई, पहले उसे अपने घर छोड़ के आया, अभी लौट के आया तो पता चली देश को ओलंपिक में मेडल चाहिए, तो अगले ने पहलवानी करी, पहलवानी में गोल्ड मेडल लेके आया, अभी इसकी भी थकान ना उतरी तो ईद के दिन दुनिया त्योहार मना रही है, पर यू बेचारा अपने छोटे भाई ढूंढता फिर रहा, बताइयो। चल यू तो उसने फिर भी अपने लिए करी, ज्यादा दिन पता चली ना कि दलवीर सतबीर रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे आ रहे हैं, दुनिया में गाता फिर रहा सदन, रेडियो बजा रेडियो बजा। और साले ऐसे देवता इंसान की फिल्म को कमाने ना दे रहे बिल्कुल। सर कमाई से याद है, नया टैक्स आ गया है भाई, GST। अरे यू GST टैक्स पे ना है साले, इतिहास का ना हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, ये घोटाला है। मैं दलवीर कैमरे पे एक्सपोज करूंगा, कैमरा सामने तू कर। मीडिया के माध्यम से मैं यू कहना चाहूंगा कि GST सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। जब सरकारी स्कूल में सारे बालक 33% पे पास हो रहे हैं तो यू बैठ जाओ GST 28% पे कैसे पास होगा? यू 5% कहां से आए? और इसकी जांच होना हो, इन्वेस्टिगेशन तो जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपको बस इतनी सी दिक्कत है इससे? और साले मैं क्या दिक्कत होती, हम तो अपनी मर्जी से टैक्स भरे हैं साले, ना के पे लेपटा मार के सही साले 2000 से नीचे की पर्ची ना कटाते। और भैया जिससे ज्यादा दिक्कत हो रही है टैक्स वैक्स, तो लौंडा सोल्यूशन देके गया, वाई फॉलो कर लो। और किसका सोल्यूशन सर? अरे वो एक छोटा लौंडा है नाटा सा, भुवन नाम का, बाकी सिकल भी मिले आमिर खान सू, बाकी पिक्चर आई लगान, अब उसमें उसे भी ऐसे ही सरकार से दिक्कत थी टैक्स फैक्स की, वहां ने क्रिकेट मैच की शरत लगा ली, ऐसे ही जिसे GST की दिक्कत हो मोदी जी से शरत लगा लो, जीत गए तो 3 साल का GST माफ, हारे तो मोदी जी तो अपने आप वसूली करी लेंगे। और का, और सतबीर मैं तो कह रहा हूँ सामने कैमरा, मैं भी कह ही दूं। क्या भैया, देश का जिम्मेदार और समझदार नागरिक होने के नाते मैं तो यही कहूंगा भैया, टैक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, अरे बिना टैक्स के बालक ना होंगे वर्जन मर जाओगे सालों। साले ऑक्सफोर्ड भाटी, जिस टैक्स की तू बात कर रहा है वो टी से ना, एस से रहे, एस से। और अच्छा भैया मोटे दिमाग पर टैक्स ना है, हमारी तो सारी कमाई लुट जाती है आकर टैक्स भरते भरते ही। सर सर बस एक लास्ट क्वेश्चन, सर लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है आपको अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा? अरे जो बनता रहो हमारे बाबा है ऑफर हुई राष्ट्रपति, वो तो उनकी 2-4 जायज डिमांड ना मानी गई वरना बाबा ही बनते। अरे क्या बात कर रहे हो सर, कौन सी डिमांड? अरे छोटी सी डिमांड ही, राष्ट्रपति भवन को दिल्ली से नोएडा शिफ्ट कर दो। क्यों सर? अरे क्यों का यार, अगले की साइरसदारी वहीं पर है, दादरी वहां की ननसार है, बहलोलपुर में वहां की ससुराल है, अरे आए दिन वहां के शादी कार्ड आए रहे हैं यार, अगला बंदा दिल्ली शिफ्ट होगा तो वो तो मर लेगा ट्रांसपोर्टेशन में ही। तो और सर दूसरी डिमांड? अरे दूसरी तो और भी छोटी डिमांड ही, राष्ट्रपति भवन का नाम बदल के नंबरदार भवन रखने की कह रहा, और जितने बाकी राष्ट्रपति भवन में 250-300 कमरा है उनका बुड्ढा किराया मांग रहा, देखते तनखा की तो आदत वाय शुरू से ना है, वाने जैसे किराया खाया ऐसे आगे खाना चाह रहा। दलवीर इंडिया गेट पे अगर 250-300 कमरे 9-10 हज़ार रुपये तो किराया आएगा यार, देख मैं बता देता लेकिन तुझे बता मेरी भाग कमजोर है, मल्टीप्लाई अगर करके देखें तो लाख रुपए से तो ऊपर बैठेगा, तो बैठ तो जाएगा। अरे सर क्यों फेंक रहे हो? हम फेंक रहे बैठ हम फेंक रहे मैं फेंक के दिखाऊं कैसे फेंक रहे टांग पकड़ बैठ सर 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 तो दोस्तों मानसून आ चुका है, GST भी आ चुका है और हमारी नई वीडियो भी आ चुकी है, और इस नई वीडियो को लाइक करने पे, शेयर करने पे, कमेंट करने पे और चैनल को सब्सक्राइब करने पे 0% GST है, तो यार बिना लाइक किए, बिना शेयर किए, बिना कमेंट किए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाओ, मत जाओ। इसके अलावा हमारा मर्केंडाइज स्टोर लाइव हो चुका है, जिसको भी हमारी टी शर्ट खरीदनी है खरीदो यार, पहनो, हमें टैग करो, उस पर भी 0% टैक्स है, बिल्कुल एकदम। इसके अलावा दलवीर सतबीर दिन भर आ रहे हैं आजकल रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे, सुनो, रिकॉर्ड करो, हमारे साथ शेयर करो, उस पर भी 0% टैक्स है यार।